क्वालिटी तो हजारों है मार्केट में, लेकिन दोस्तों अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको कुछ जानकारियां ऐसी देता हूं जिसे जानने के बाद आपको आपके बिजनेस में बिल्कुल ही नुकसान नहीं होगा। अब सबसे पहले आपके दिमाग में बस एक ही चीज चलता है कि कितना जीएसएम होगा कपड़ा उतना ही महंगा होगा, जितना ज्यादा जीएसएम होगा कपड़ा उतना ही महंगा होगा। मैं आपको बताता हूं, नॉर्मली देखिए ये कपड़ा है पॉलिस्टर है और ये माइक्रो पीपी, ये कॉटन, ये वो, ये नॉर्मल चार ही कपड़ा है दोस्तों। मैं पहले चारों के बारे में सच्चाई बताता हूं। जैसे इसकी बात करें तो ये सरीना है, और इसकी बात करें तो माइक्रो पीपी है, इसकी बात करें तो अस्पन है, इसकी बात करें तो कॉटन फिल। ये चार फैब्रिक है और मार्केट में तो हजारों कपड़े हैं, लेकिन मैं चार कपड़े के बारे में ऐसी जानकारी दे रहा हूं जिसे जानने के बाद आपको अपना बिजनेस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब देखिए ये कपड़ा है पॉलिस्टर 100% और ये भी 100% पॉलिस्टर है। इसका जीएसएम 110 है और इसका जीएसएम 160 है। और ये कपड़ा जो आप देख रहे हैं ये जीएसएम के वजह से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन इसकी बात करें तो ये भी 160 जीएसएम है, ये भी 160 जीएसएम है, ये तीनों ही 160 जीएसएम है। लेकिन सबसे सस्ता ये है, उससे थोड़ा महंगा ये है, इससे थोड़ा ये महंगा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जीएसएम यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे कपड़े का फील। अब ये देख रहे हैं 100% पॉलिस्टर है, इसके वजह से ये सस्ता है, इसके अंदर कॉटन फील फैब्रिक, ये भी स्पन फैब्रिक है, ये इसके वजह से थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जीएसएम सेम है दोस्तों। और यहाँ पे जो देख रहे हैं रिसाइकल कॉटन है ये फैब्रिक, इसके वजह से थोड़ा सा और महंगा है। अगर आपको कोई कहता है कि भाई मेरा 160 जीएसएम, मैं 200 रुपए की टी शर्ट दे रहा हूँ, दूसरा कह रहा मैं तो 100 रुपए की टी शर्ट दे रहा हूँ, और तीसरा कह रहा है 300 रुपए की दे रहा है, अगर सबसे पहले 300 रुपए वाले बंदे के पास आप जाते हैं और 160 जीएसएम टी शर्ट खरीद लेते हैं, और दूसरा बंदा बाद में पता चलता है यार वही टी शर्ट 200 रुपए का दे रहा है, जीएसएम 160 ही है, और बाद में पता चलता है वही टी शर्ट 100 रुपए का मिल रहा है 160 जीएसएम का, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको जीएसएम के बारे में ही बंदा बता रहा है, पूरा फील नहीं बता रहा, कपड़े की क्वालिटी नहीं बता रहा, कौन सी क्वालिटी का कपड़ा है, तभी आपका बिजनेस और स्लो हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कपड़े क्वालिटी पूरी डिटेल पूरी जानकारी लीजिए, मार्केट में कपड़े कौन सा है, कैसी क्वालिटी का कपड़े का पूरा नाम क्या है, जैसे इसका नाम है माइक्रो पीपी उसी के तरीके से इसका नाम है स्पन, इसका नाम है कॉटन फैब्रिक स्पन एयर जेट, तो इसी तरीके से पूरा नाम पूछिए, जीएसएम पूछिए, हर चीज पूछिए, पूरा हिस्ट्री पूछिए, खाली जीएसएम पूछकर कपड़े का बिजनेस अगर करते हैं तो मिनट से पहले आप फ्लॉप हो जाएंगे, इसलिए जानकारी पूरी लीजिए। मिलते हैं फिर से, सावधान होशियार।